मेरा नाम तनिष्क शर्मा है और सर्वप्रथम मैं यहाँ मौजूद सभी महान हस्तियों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और शुक्रिया करती हूँ कि आप सब ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और यहाँ पर सभी लोग बहुत बड़े अदाकार अदाकारा हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे अपना आशीर्वाद दें क्योंकि मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं नई हूँ यहाँ पे और मैंने एक एक करके सुना, काफ़ी बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच। और जो लोग मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि दुनिया के कोने कोने में रहने वाला भारतीय इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करता है और ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, फीजी, गयाना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ओमान, हम सभी लोगों ने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था और विजेता वही घोषित होता है जिसे अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में सबसे ज़्यादा ज्ञान है। आप लोग चकित हो रहे होंगे कि मैं हिंदी में कैसे बात कर रही हूँ, शायद इसीलिए मुझे विजेता घोषित किया। मिस वर्ल्ड युक्ता मुखी 1999 के द्वारा मुझे ये पुरस्कार दिया गया। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं उत्तराखंड के एक छोटे से शहर कोटद्वार से बिलोंग करती हूँ जहाँ ज़्यादा सुख सुविधा नहीं थी और मेरे पिताजी होम मिनिस्ट्री के लिए काम करते हैं तो हमारा कोई स्टार बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मेरी माँ की सीख थी, वो एक डांस टीचर है, क्लासिकल डांस की मैं उन्होंने बीए किया हुआ है तो वही हमें सिखाती थी, वही पढ़ाती थी, तो बस इतना ही मालूम था और ज़्यादा काउंसलिंग नहीं थी। मैथ्स इसीलिए छोड़ दी क्योंकि बायो ईजी थी, मैथ्स नहीं आती थी तो इसीलिए मेडिकल ले लिया। पर जैसे कि हर बच्चा कंफ्यूज होता है उसे क्या करना है, कोई एयर होस्टेस बनेगा क्योंकि वो लंबा है और कोई होटल मैनेजमेंट करेगा क्योंकि वो इजी है, तो हमने भी ऐसी कई गलतियां की। लेकिन जब आपकी डेस्टिनी खुदा बनाता है तो आप वहाँ तक कैसे ना कैसे पहुँच जाते हैं। तो मेरी माँ ने मुझे अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए ओमान भेज दिया और वहाँ से 7 सितंबर 2019 को ये प्रतियोगिता हुई जहाँ पे हर देश से एक मिस इंडिया को लेके आया जाता है और मैं मिस इंडिया ओमान को रिप्रेजेंट करने इंडिया आई और मुझे विजेता घोषित किया गया। इसीलिए नहीं कि कोई सुंदर है या कोई लंबा है, इसीलिए कि भारत के बाहर रहने से या बाहर पढ़ने से हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए, हमें अपनी मातृभाषा नहीं भूलनी चाहिए और तभी आप भारतीय कहलाए जाते हैं और शायद मुझे गर्व है अपने भारतीय होने पे। थैंक यू वेरी मच, आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, धन्यवाद। आप यहीं रहिए, अब मैं निवेदन करूँगा हमारे अतिथियों से। मैडम आइए, भारती जी आइए, अरुणा जी, सुहासिनी जी आइए, हार्दिक जी, दीपक जी आइए और आइए, जयश्री जी, मीनू सिंह जी आइए और रश्मि जी आइए। अच्छा, इनकी अभिनंदन पत्र इनका।